मई को एनसीपी का अध्यक्ष पद छोड़ने वाले शरद पवार ने 4 दिन में ही अपना इस्तीफा वापस ले लिया। उन्होंने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। पवार ने कहा, मैं पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं की भावनाओं का अपमान नहीं कर सकता। मैं कोर कमेटी में लिए गए फैसले का सम्मान करता हूँ और अपना फैसला वापस लेता हूँ। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस से अजित पवार दूर रहे। सुबह 11 बजे पार्टी कोर कमेटी की मुंबई में मीटिंग थी, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रफुल्ल पटेल ने पवार का इस्तीफा खारिज करने के लिए प्रस्ताव पेश किया। इसके बाद कमेटी के बाकी मेंबर्स ने भी इसका समर्थन किया। पटेल करीब 12 बजे मीडिया के सामने आए और फैसले की जानकारी दी। इसके बाद सभी नेता पवार के घर अपने फैसले की जानकारी देने पहुँचे। 5.5 घंटे बाद शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और अपना इस्तीफा वापस लेने की घोषणा की। हालांकि इस दौरान उनके भतीजे और महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता अजित पवार मौजूद नहीं थे। पवार से जब इस पर सवाल किया गया तो उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि सभी नेता एकजुट हैं। पवार ने मीडिया से बातचीत में कहा, भविष्य में एनसीपी के उत्तराधिकारी को लेकर योजना बनानी होगी। हमें तय करना होगा कि आगे पार्टी की कमान कौन संभालेगा। पार्टी में सांगठनिक बदलाव पर भी ध्यान देंगे। पवार ने कहा कि अब नए जोश के साथ पार्टी के लिए काम करेंगे। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।